रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल लोगों का शिद्दत से इंतजार था। अब उसका ट्रेलर जारी हो चुका है। ये फिल्म 1 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म एनिमल के ट्रेलर के मुताबिक इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बेटे रणबीर कपूर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने वालिद अनिल कपूर की मोहब्बत में वह सियाना शक्ल अख्तियार कर चुका है, जो अपने बाप के मोहब्बत में पुरतशद्दुद कातिल बन जाता है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के हाथ में असलहा उठाए खून खराबा करते और खूब एक्शन करते देखा जा सकता है। एनिमल के ट्रेलर के आखिरी हिस्से में बॉलीवुड अदाकार बॉबी देओल को भी खून में लथपथ देखा जाता है, जो गालिबन फिल्म में विलन का किरदार अदा करते दिखाई देंगे। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ हीरोइन का किरदार रश्मिका मंदाना अदा करते दिखाई देंगी। इनके अलावा इस फिल्म में अनिल कपूर, तृप्ति डिमरी, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा भी शामिल हैं। साउथ के मशहूर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वालगा की हिदायत में बनने वाली यह फिल्म 1 दिसंबर को इंडिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। वैसे इस फिल्म को रवा बरस 11 अगस्त को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जानी थी, तहम पोस्ट प्रोडक्शन वर्क और उस वक्त रिलीज होने वाली बाकी दो फिल्मों गदर 2 और ओ माई गॉड 2 के मुकाबले में रिलीज करने से एजतराब करना पड़ा और एनिमल फिल्म को 1 दिसंबर तक मौखिक कर दी गई। वहीं दोस्तों दिसंबर महीने में शाहरुख खान एक और धमाका करने जा रहे हैं। पठान और जवान जैसी सुपर एक्शन फिल्म के बाद एक जबरदस्त रोमानी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है डंकी। फिल्म माहिरीन का कहना है कि शाहरुख खान की यह फिल्म एक बेहतरीन ब्लॉकबस्टर साबित होगी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो 21 दिसंबर को डंकी के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। इधर फिल्म एनिमल की जोरदार एडवांस बुकिंग जारी है।